से विनती करते हैं कि उग्र मत होइए, ट्रेनों को मत जलाइए, क्योंकि उससे हमारा और आप ही का नुकसान हो रहा है। नेताओं को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि नेता लोग का कुछ नहीं जा रहा है, जाएगा हमारा और आपका। क्या कहना चाहिएगा सर? बोल रहे हैं कि जो पहले एग्जाम पहले क्लियर कर दिया जाए, उसके बाद टीओडी जो है सर उसको हटा दिया जाए, पुरानी जो हमारी भर्ती है उसको स्टार्ट कर दिया जाए, पुराना भर्ती प्रक्रिया को ही रहने दिया जाए। तीन साल लगता है एनसीसी करने में, तीन साल एनसीसी हम लोग किए हैं, उसके बाद हम लोग तीन चार साल से तैयारी करें और चार साल के लिए जाएंगे नौकरी करने। हमको 10 लाख रुपया मत दीजिए, नहीं चाहिए, वेतन मत दीजिए, हम जिंदगी भर बॉर्डर पर खड़ा होकर लड़ेंगे, किसान के बच्चे हैं। लेकिन नेता और सांसदों का पेंशन बंद कीजिए, अफसर शाही पर फालतू खर्चा बंद कीजिए। अगर कोई ऑफिसर कहीं आता है तो 40,000-60,000 का नाश्ता कर जाता है, इतना खर्चा होता है, और सारा हम लोग पर कर रहे हैं कि आर्मी को पैसा कम करना है, ये करना वो करना है। सांसद, विधायक, मुखिया, जिला परिषद सबका पेंशन बंद कीजिए, हम लोग का तनख्वाह भी मत दीजिए, हम लोग को ऐसे बॉर्डर भेज दीजिए, खाना दीजिए, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।